हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम है हिमाचल। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। इस तरफ में इसको देवभूमि भी कहते हैं, जहाँ पर देवता लोगों का निवास है। इसलिए जहाँ पर चतुकंद ने जहाँ पर ये भागवत कथा श्री नारद जी को सुनाए थे, इस तरफ में उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। यहाँ पर समय वो कथा कर रहे थे, उस समय देवता लोग भी स्वर्ग से पुष्पों की बौछार किया था। आज इस कथा सुनने के लिए स्वर्ग से देवता लोग, मोह जन तप लोगों से जितने ऋषि मुनि लोग, जितने गया गंगा जमुना सरस्वती साक्षात मूर्ति रूप धारण करते हुए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया ये सारे धाम दंडकारण आदि जितने जंगल भी, और जो नहीं आए अगस्त ऋषि सबको घर घर में जा जा करके सबको न्योता दिया। भागवत कथा हो रही है, सबके सब कथा सुनने के लिए आओ। इसलिए ये स्थान को आप लोग दर्शन करो, बड़ी ही सुंदर ये स्थान है। यहाँ पर सचमुच से आने पर लगता है ये देवभूमि है, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य जो बहुत बहुत ही सुंदर है। आप लोग देखो हमारे श्यामानंद प्रभु चारी तरफ में वीडियो कॉल करके सबको दिखा रहे हैं। लाइव है ना एक साथ डोंकर तो गांव घर परिवार वहाँ को मतलब राजा को फिर मतलब पानी कहीं से भी लाओ खून बन जाता था क्या होता देखो मुकाली कह दीजिए कहला सुदाम भोकला मोहानी हो
सबसे ऊपर देखो सफेद वाला पहाड़ मंदिर है, देखो क्या मंदिर है ना, घर है पता नहीं, वो जो सबसे लास्ट पीछे जो है मंदिर है, वो सबसे दिखा में लाइव हो जाए थी लाइव चल रहे हैं दिखा दो पूरा सब देखे दिए हम लोग पूरा पहाड़ का सबसे चोटी के ऊपर में आए। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, मैंने तो बहुत स्थान पर गया है लेकिन इतने सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य हमने कहीं भी नहीं देखा। अगर कभी आप लोगों का इच्छा हो तो आप लोग जरूर यहाँ पर आइएगा। हमारे मंदिर में जो राधाकांत प्रभु रहते थे, राधाकांत प्रभु जी की पिताजी, और इन्होंने भागवत कथा की व्यवस्था किया। अगली बार इन्होंने और जो भागवत कथा की व्यवस्था करेंगे तो अब सबको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। और यहाँ पर प्रभु जी का दिल बहुत बड़ा है, सब भक्तों को बहुत सेवा कर रहे हैं। अगली बार सबके यहाँ के आनंद लेना। और किला यहाँ पर राजा के किला है, यहाँ पर पहले राजा लोग रहते थे, अभी जगह अभी राजा ने बेच दिया, अभी होटल हो गया। और यहाँ का किराया करीब 20,000 रुपया का इसका किराया है, 8,000 से शुरू होता है, 8 से लेकर के 20,000 तक इसका किराया है, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर मनोरम स्थान है। इसलिए आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा ये स्थान सचमुच से कितने सुंदर है। हम चावल उसको दिखा रहे हैं, घुमा करके आप लोग देख लो चारों तरफ में कितने सुंदर है।